पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्म है। यही नहीं, एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के गोत्र को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विरोधी पार्टियां तंज कस रही हैं। इस मामले में हमेशा की तरह चुप रहने वाले राहुल गांधी ने आज इस पर चुप्पी तोड़ी है। राजस्थान के पुष्कर में पूजा के दौरान राहुल ने अपनी जाति और गोत्र का नाम लिया। राहुल गांधी ने खुद को दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण बताया। गोत्र की परंपरा है, वह अपनी पहचान के रूप में है, अपनी कुल परंपरा के पहचान के रूप में है। क्योंकि हम लोग जब मानव जाति की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति पे अगर हम ध्यान देंगे, अगर उसका विचार विमर्श करेंगे, तो दिति और अदिति दो माताओं से कश्यप ऋषि के द्वारा देवता और दैत्यों की उत्पत्ति हुई। मानव भी उसी क्रम में आते हैं, मानव की सृष्टि भी हुई। मानव सृष्टि के बाद जिस ऋषि की परंपरा में, जिस ऋषि के कुल में जो वंशज आते हैं, उनको हम उस गोत्र के नाम से जानते हैं। जैसे कि ब्राह्मणों में भी अनेक गोत्र पाए जाते हैं, क्षत्रियों में भी अनेक गोत्र पाए जाते हैं, वैश्य इत्यादि जितने भी अपने यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्थाएं हैं उनमें गोत्र का बहुत महत्व है। क्योंकि एक ही ऋषि कहीं कहीं अनेक वर्णों में भी विभक्त है, कहीं कहीं क्या सामान्यतया, जैसे कि एक ही ऋषि के वंशज ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, अन्य वर्ण के भी हैं। तो हमारे यहाँ ये जो गोत्र की परंपरा है वह अपनी कुल परंपरा का परिचायक है, यानी कि हमारी कुल की परंपरा कहाँ से शुरू हुई है। क्योंकि हम जब भी ये देखते हैं कि सृष्टि की प्रक्रिया के अंतर्गत जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, सृष्टि करने के बाद अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, उसके बाद से ऋषि लोग हुए, ऋषियों को अपने अपने कुल परंपरा की वृद्धि का दायित्व तो दिया गया और उस क्रम में सृष्टि की उत्पत्ति हुई और कुल परंपरा की वृद्धि हुई। तो जो जिस ऋषि की परंपरा से है वो उसको अपने गोत्र ऋषि के रूप में मानता है। यदि गोत्र की बात की जाए तो धर्मशास्त्र में गोत्र किस पक्ष का मान्य होता है और क्या है गोत्र? देखिये, गोत्र की परंपरा हमारे ऋषि वैदिक काल से आ रही है। आज जितने पूरे ब्रह्मांड में लोग हैं, किसी न किसी ऋषि के द्वारा ही प्रदत्त संतति है। वैवाहिक जीवन में, सनातन धर्म में गोत्र की बड़ी प्रधानता होती है। एक गोत्र में विवाह करना निषेध कहा गया है। दक्षिण भारत में मामा के गोत्र में विवाह किया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में नहीं है। कुछ अन्य राज्यों में भी मामा के गोत्र को ग्रहण किया जाता है, अपने बुआ के भी गोत्र को ग्रहण किया जाता है।